हाँ जी बाबा ने तो मुरली में डायरेक्शन दे दिया है। ये अखबार वाले कुत्ते मिसल भोंकते रहेंगे, तुम कुछ भी ना करो। जो भी दोस्त चाई को सिद्ध करने की जरूरत होती है, सच्चाई स्वयं सिद्ध हो जाती है, सच्चाई सिर पर चढ़कर बोलती है। अट्ठानवे में भी तो ऐसा ही हुआ था, फिर 10-12 साल के बाद रिजल्ट क्या आया? 98 में पहले 3 ही सेंटर थे एडवांस के, अभी 10 गुने से भी ज्यादा 30 सेंटर हो गए। तो सच्चाई सिद्ध हुई या नहीं हुई? पहले एडवांस पार्टी वालों को डर लगता था माउंट आबू जाने में, अभी सारा दिलवाड़ा ही खरीद करके बैठ गए। तो सच्चाई सर के ऊपर चढ़कर बोल रही है ना। प्रवेश हुआ शरीर में, कौन कहता है? वो बुक में है। आत्मा कभी कभी शरीर में इधर उधर छुप जाती है, फिर प्रकट हो जाती है। तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे शरीर छोड़ गए, शरीर छूटने के बाद फिर दोबारा शरीर धारण नहीं कर सकते। लेकिन बाबा को समय डॉक्टर कुछ नहीं जानते आज के, जब भूत प्रेत प्रवेश करके बीमारियां पैदा कर देते हैं तो डॉक्टरों को पता चलता है कौन सी बीमारी है। उनकी मशीनें बताती नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, और मरीज मर जाता है। 50% से भी ज्यादा बीमारियां भूत प्रेतों की पैदा की हुई चल रही हैं अभी। और बाबा है कुंडली में आप समझाया, बच्चे पैदा हुआ तो पहले कुटुंब वाले को प्रत्यक्ष होता, इसी प्रकार 46 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, घर वाले को प्रत्यक्ष हुआ बोला, तो हम 2011 में आए तो हम घर वाले नहीं है क्या? आपको प्रत्यक्ष नहीं हुआ? अब तो प्रत्यक्ष हुआ, 76 में तो नहीं हुआ ना बाबा। आप 76 में थे? 76 में तो छोटा बच्चा था, 3 साल का बच्चा है। फिर अब जब आपने जन्म लिया ज्ञान में? अभी तो लिया। जब आपने जन्म लिया तो आपको सोचना चाहिए कितनी पुरानी पुरानी बेसिक में दीदी दादियां वो इस ज्ञान को नहीं समझ पा रही है और हमने कैसे समझ लिया, क्या कारण है इसका? है पूरा जन्म जो ब्राह्मण होते हैं उनकी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यज्ञ के आदि में जो बाप के बच्चे डायरेक्ट बने थे वो फिर दोबारा जन्म लेकर के आते हैं,
और बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, सन्मुख बैठ पड़ते हैं। तो हम भी आपका घर वाले हैं, ज्योतिष में जो आत्मा आए वो घर वाले समझाने। यहाँ शरीर की बात नहीं है, यहाँ काय की बात है, यहाँ आत्मा की बात है। आपकी आत्मा ने ईश्वरीय ज्ञान कब लिया? अभी इस जन्म में लिया या पहले भी लिया था? पहले भी। तो फिर 96-98 की बात क्यों करते? और ये बी ए ब्रह्मगारू क्या होता है? काल ज्ञान बोलते हैं ना बाबा, काल ज्ञान बोलते हैं वीर ब्रह्म, काल ज्ञान भविष्य काल का पूरा बोलते हैं। सच सच बात बताई, अभी साबित हो रही है, जब बताई तब नहीं साबित हुई। बताया दुनिया का विनाश कब होगा, भगवान कब आएगा ये बताया, स्वर्ग कब आ जाएगा ये बताया है? फिर लेकिन कुछ इशारा क्या दे दिया? लाइट आते, वाणी से लाइट आते, किसके अंदर आते? अगर बताया होता तो फिर सारी दुनिया उजाले में होती या अंधेरे में होती? सफेद कपड़े वाले राज करेंगे, काले कपड़े वाले राज करेंगे क्या? ये तो बेहद की बात हो गई। ये शरीर ही कपड़ा है, जिनके कपड़े पे कोई मैल माटी नहीं है जन्म जन्मांतर का, वो सफेद कपड़े वाले हुए। और जिनके शरीर पर ढेर सारी मैल माटी गंध जमा हुआ है, जन्म जन्मांतर के पाप चढ़े हुए हैं, वो काले कपड़े वाले हो गए, वो असुर हैं, वो देवता हैं। बाकी असली वीर बाबा तो माउंट आबू में पूजा जाता है। आज भी वहां के पुराने जो बासिंदा हैं वो वीर बाबा की पूजा करते हैं। वो वीर बाबा कोई दूसरा नहीं है, वो ही असली बाबा है जो आकर के ज्ञान देता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। कोई ने पूछा है, तुरंत दान महाकल्याण कहते हैं, फिर कहते हैं फौरन करने वाले फॉरिनर हैं, तो दो बातें क्यों हो गई? ये दो बातें कैसे समझाएंगे? ये तो कहा कि तुरंत दान महाकल्याण, लेकिन जो दान किया है वो ये तो देखना है हमें, पापी को दान किया है या पुण्यात्मा को दान किया है? कि तुरंत दान कर देना है, समझे बिगर दान करना है या समझ करके करना है? समझ के करना है, पहले समझे ज्ञान को। क्या समझे? इस दुनिया में सब पापात्माएं हैं, पाप की दुनिया में सब पापात्माएं हैं। फिर किसको दें? तो वो भी पहचाने कि एक ही परमपिता परमात्मा है जो इस पापात्माओं की दुनिया में जब आता है तो पापात्माओं को भी पुण्यात्मा बनाता है, सारी पतित दुनिया को पावन बनाता है। उसके अर्थ देंगे
तो तुरंत देंगे तो ज्यादा फायदा होगा या समझने के बाद भी हीला हवाला करते रहेंगे, देर करते रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा है? इसलिए बाबा कहते हैं जो सोच सोच के देंगे उनके लिए मैं भी सोच सोच के बरसा दूंगा, और जो तुरंत दान महाकल्याण करेंगे तो मैं भी तुरंत दूंगा, पहले पहले दूंगा। बाकी तुरंत दान महाकल्याण का ये मतलब नहीं है कि जो आया उसे तुरंत दान कर दिया। बोला तो है लेकिन जब परीक्षा आती है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आता है तो नहीं बताया जाता है कि आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है। आज तो मुरली में भी आ गया, आत्मा सो परमात्मा सभी आत्माओं का गायन है या परम पाठधारी का गायन है? परम पाठधारी कोई है वो समझना भी है और समझ करके दूसरों को समझाना भी है। समझाने के लिए बताया जाता है कि हाँ 7 दिन का कोर्स दिया जाता है, फिर भी समझ में आए तो 7 दिन की भट्टी करो अच्छे वातावरण में रह करके, संग दोष और अन्न दोष दोनों से बच करके भट्टी करो तो बुद्धि में बैठ जाएगा, बैठेगा उनकी बुद्धि में जो हमारे कुल के होंगे। हमारे कुल के नहीं होंगे तो साप्ताहिक कोर्स करने से भी नहीं बुद्धि में बैठेगा और भट्टी करने से भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। अगर सबकी बुद्धि में बैठ जाए तो फिर देवी देवताओं की संख्या कितनी हो जाएगी है? देवी देवताओं की संख्या ही 500 करोड़ हो जाए, परंतु 500 करोड़ तो देवी देवताएं होते ही नहीं है। बाबा काशी में कौड़ी बाई का मंदिर है ना, उधर जाके कौड़ी माता के सामने डाल के आता है, वेद में क्या अर्थ है? शंकर का बहन बोलते हैं उसको, कहते हैं शंकर का बहन। रुद्रमाला में सब भाई बहन हैं कि पति पत्नी है? हैं? भाई बहन है। जब रुद्रमाला में सारे ही भाई बहन हैं, तो उसमें कोई कौड़ी का पार्ट बजाने वाली भी होगी। कौड़ी जैसा जीवन, हीरे जैसा जीवन नहीं, उस जीवन के संग के रंग में जो भी आवेंगे, अंधकार में गिरेंगे या रोशनी में आवेंगे? अंधकार में गिरते हैं। उसका नाम है महाकाली। जब सूर्य उदय होता है तो काली काली रात आगे आगे चलती है या सूर्य के साथ चलती है? हैं? आगे आगे काली रात चलती है। इसलिए जब राम की बारात निकलती है तो बारात में आगे आगे किसका चित्र दिखाया जाता है? काली का चित्र दिखाते हैं। ये काली और गोरी का क्या अंतर है? काले कर्म किए तो काली और गोरा कर्म किए तो गोरी।
आगे। दो बार ओम शांति बोले तो एक बार भूल गए। पहली बार में भूल गए कि हम आत्मा हैं, इसलिए दूसरी बार फिर बोल दिया। राधा चंद्रवंशी कहते हैं और कृष्ण सूर्यवंशी कहा, लेकिन बाबा संगम युगी कृष्ण भी तो बीके से ही एडवांस में आया अपने समय पर। वैसे राधा भी बीके से अपने समय पर एडवांस में आती है, तो दोनों को अलग अलग वंश में क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? हैं? क्या बताया? जो अपने कुल का होगा उसकी पहचान क्या बताई? हैं? फौरन मान लेगा। हाँ, जो अपने कुल का होगा उसको दो शब्द सुनाओ, फौरन निश्चय बैठ जाएगा, निकल आवेगा। और राधा को? हैं? अभी तक नहीं। राधा को निकलने में टाइम लगता है या फौरन निकल आती है? टाइम लगता है। इसलिए वो चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। बाबा के ग्रुप में 12 आने वाले अलग होंगे ना? तो ये दोनों में पक्के सूर्यवंशी कौन? कौन से दोनों में? शायद ये पूछा है कि सूर्यवंशी ग्रुप में जो 12 होते हैं उनमें 8 हैं सजाएं न खाने वाले और बाकी 4 हैं सजा खा जाने वाले, तो उनमें पक्के सूर्यवंशी कौन हुए? वो 8 ही पक्के सूर्यवंशी हुए जो सजा नहीं खाते हैं। बाकी जो 4 हैं वो कुछ न कुछ डिसर्विस करते हैं, इसलिए सजा खा जाते हैं। पक्के सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न फिर हैं छोटी माँ बड़ी माँ जगदम्बा सरस्वती यमुना और गंगा। अपने अपने धर्म के बीज, बीज रुद्रमाला में होंगे या विजयमाला में भी होंगे? बीज तो रुद्रमाला में ही होते हैं, ही कहां मिक्स करके एक कर दिया? छोटी माँ कहाँ चंद्रवंश का बीज होती है? चंद्रवंश का बीज कौन हुआ? है जगदम्बा चंद्रवंश की बीज है। हाँ, बीजों में 8 पूर्वज हैं, जो पहले पहले जन्म लेते हैं। ये 8 की माला में आने वाले
पास विदानर कहे जाते हैं। सबसे पहले पहले 1976 में इन्होंने ज्ञान लिया, नहीं 1976 में जिन्होंने ज्ञान लिया वो सभी धर्मों के बीज थे या 8 की लिस्ट में आने वाले पास विदानर थे? है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो वो 76 की यादगार है, बाकी ऐसे नहीं है कि वो भाई भाई हो करके रहते हैं। 84 के चक्र में उनमें आपस में कभी झगड़ा नहीं होता है, जिनमें शुरुआत से ही झगड़ा हो जाए, जो बच्चे जन्म से ही जन्म लेते ही थोड़े बड़े हुए और झगड़ा करना शुरू कर दिया तो उनको आपस में भाई भाई कहेंगे? तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये तो चार धर्मों के चार बीज हैं। थोड़े समय के लिए गायन होता है, बाकी हैं तो अलग अलग धर्मों के बीज, सदैव भाई भाई होकर के नहीं रहते हैं। और जो 8 सूर्यवंशी हैं वो तो 84 जन्म भी भाई भाई होकर रहते हैं, सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर नीचे गिरते हैं, और अंतिम जन्म में तो सबको नीचे गिरना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबा आपने 8 प्रश्न दिए हैं ना, उनका जवाब कौन लेंगे? जवाब लिखित पूर्वक होगा या ओरली होगा या प्रैक्टिकल होगा? कैसे होगा? प्रैक्टिकल जवाब होगा। जो जितना होशियार होंगे उतनी होशियारी से जवाब लिखेंगे, जवाब बोलेंगे, जवाब प्रैक्टिकल में करके दिखावेंगे। होशियार नहीं होंगे तो चुप हो जावेंगे, या तो प्रश्न पत्र छोड़ के ही बीच में भाग जावेंगे। या तो कहेंगे ये प्रश्न ठीक नहीं है, प्रश्न पत्र अच्छा नहीं आया है, ऐसा प्रश्न पत्र नहीं होना चाहिए, जो ब्रह्मा कुमारियां नाराज हो जाएं। अगर ये प्रश्न पत्र ना आते तो इतना झगड़ा नहीं होता। लिखा है जवाब किसके पास भेजें? जवाब भेजने की बात नहीं है, ये तो स्वतः ही परीक्षा सबके सामने आवेगी, प्रैक्टिकल जीवन में परीक्षा आवेगी। ऐसे नहीं कंपिल में ही परीक्षा आई है या फरक्काबाद सेंटर में ही परीक्षा आई है स्टूडेंट के सामने, नहीं आगे पीछे परीक्षा सबके सामने आवेगी। Yes।
उसको पढ़ने के लिए नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है, ऐसे लिखेंगे जिंदगी की जरूरत नहीं यहाँ प्रैक्टिकल जीवन की बात प्रैक्टिकल यहाँ लिखने की लिखा पट्टी की बात ही नहीं है। राम कृष्ण की आत्माएं हीरो हीरोइन का पार्टधारी है। तो 63 जन्मों में राम वाली आत्मा की हीरोइन कृष्ण वाली आत्मा बनती है क्या? है हीरोइन बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि जो पात्रधारी है वो स्त्री चोला ही हो। जब नाटकबाजी करते हैं तो बाप बेटा हीरो हीरोइन बन के नहीं दिखाते हैं क्या? दिखाते हैं या नहीं? दिखाते हैं। तो कृष्ण बच्चा है, राम बाप है। संगम युग में एक जगत पिता का पात्रधारी है और दूसरा जगदम्बा का पात्रधारी है। तो ये हीरो हीरोइन हो गए। कोई बीमार होता है तो कोई कोई हैं जो बीमार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। कोई पूछताछ नहीं करने वाला, कह देते हैं तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, तुम्हारा हिसाब किताब ही बीमारी का है। फिर भी अगर कोई बीमारी में पूछने वाला भी होता है तो उसको गलत उठाते हैं। तो इसको भी हिसाब किताब कहना चाहिए ना, तो सारा ही हिसाब किताब ही है। ये जरूर है कि जैसा हम करेंगे हमारे साथ दूसरे करेंगे। आज दूसरा बीमार है, कल हम भी बीमार पड़ सकते हैं। आज दूसरे की हालत खराब है, कल हमारी भी हालत खराब हो जाएगी। कोई ने कहा बाबा वार्ता में बोले हैं कि सारी नदियां अंत में बाप से टकराती हैं, सागर से टकराती हैं। बोला है कि ब्रह्मपुत्रा हो या गंगा हो, नदियां सागर से टकराती जरूर हैं। तो वरुणा नदी भी तो नदी का ही रूप है। तो वो भी टकराती है क्या? पूछने वाले को ये पता ही नहीं है कि वरुणा नदी ऐसी गहरी नदी है जो पहाड़ से निकलती है और सागर में सीधी नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा में जाकर मिल जाती है। जब गंगा वरुणा नदी से मिलती है तो गंगा तलवार का रूप धारण कर लेती है। जैसे तलवार तीखी होती है ऐसे गंगा नदी भी तीखी बन जाती है। बाकी वरुणा सागर में जाकर नहीं मिलती है।
सतयुग में कर्जा लेने की बात नहीं है। सारा हिसाब किताब कहाँ तैयार होता है? संगम युग में तैयार होता है। और सतयुग में कर्जा लेने की बात ही नहीं है, न वहाँ का कोई गायन है। कहाँ की बात है? सारी संगम युग की बात है। संगम युग में जब आठवां नारायण हवाई जहाजों पर घूमता है, मोटे मोटे ग्रंथ लिखता है, वाहवाही लिखता है, ज्ञान मुरलियों का मनन चिंतन मंथन नहीं करता, शास्त्रों का अवलोकन करता है, जो ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय ज्ञान लेना और ईश्वरीय ज्ञान देना, वो नहीं करता, तो उसके ऊपर लोन चढ़ता है। और राम वाली आत्मा असली ब्राह्मण का कार्य करती है, ईश्वरीय महावाक्यों का अवलोकन करती है, मनन चिंतन मंथन करती है, और मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान रतन ब्राह्मण परिवार को बांटती है, तो राम वाली आत्मा का भाग्य बन जाता है। जो आठवां नारायण है उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। राम वाली आत्मा जैसे साहूकार बन जाती है, देने के निमित्त बन जाती है। राम वाली आत्मा के दान से ब्राह्मण परिवार की राजधानी स्थापन होती है। तो यहां की बात है, सतयुग में कोई लेन देन की बात नहीं होती। आज भी मुरली में बताया कि सतयुग में पुरुषार्थ होगा या प्रारब्ध होगा? प्रारब्ध होगा। कहाँ का प्रारब्ध होगा? संगम युग का प्रारब्ध होगा। बाबा, माता दादी तो जब तक शरीर में रहे उस समय तक तो बाप को नहीं पहचाना, बाप को ग्लानी किया, जो भी उसको सतयुग में कैसा उस पर मिलता है, क्योंकि उन्होंने बेसिक में रह करके ब्रह्मा बाबा की जी हुजूरी की है। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में एक भाई था जो बाबा के जीवन में बहुत चढ़ा हुआ था, दिल पर चढ़ा हुआ था, तो भाइयों में जो दिल पर चढ़ करके रहा उसकी शूटिंग हो गई, दिल पर सो तख्त पर, बाप का बच्चा बन गया। ऐसे ही बच्चियों में कौन बच्ची बाबा के दिल पर चढ़ करके रही? कुमार का दादी, तो जिस दिल पर चढ़ के रही उसने वर्षा ले लिया बाबा का, वो फर्स्ट नारायण का वारसदार बन गया विश्व किशोर। और कुमार का दादी क्या बन गई? नारायणी बन गई, या तो आधा आधा समझ लो। कुमार का दादी अपने मुख से भी बोलती थी, मैं तो बाबा की वारसदार बनूंगी, बाबा की तख्त नशीन बनूंगी। और मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद प्रैक्टिकल में भी क्या देखा गया? गद्दी किसके हाथ में आई? प्रैक्टिकल में कुमार का दादी के हाथ में आई। मुरली में तो बाप का ग्लानी किया तो चंडाल बन जाते, बोला ना बाबा? नहीं, चंडाल ग्लानी करने से नहीं बनते।
चांडाल वो बनते हैं जो दे करके वापस लेते हैं। और जीवन में यही समस्या आती है कि कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। क्या इस समस्या का समाधान नहीं है? बाबा ने समस्या का समाधान बताया कि नहीं बताया? है कहाँ बालक बनना है? है और कहाँ मालिक बनना है? मालिक वहां बनना है जब बाबा पूछते हैं कि बच्चे ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, तो मालिक होकर के बताना चाहिए या बालक बन जाना चाहिए? मालिक होकर के बताना चाहिए, बाबा इस समस्या का समाधान हमारे अनुसार ऐसा है। फिर जब फैसला हो जाए बाबा की तरफ से, 10 बच्चों से पूछा, 10 बच्चों ने मालिक बनकर के जवाब दिया, 10 तरह के जवाब आए, तो बाबा उनमें से एक ही स्वीकार करेंगे या सबको स्वीकार कर लेंगे? तो जो एक स्वीकार किया गया है, उस बात को सब बच्चे बालक बनकर के मान लें, अपोजिशन न करें। यह है बालक बनना और मालिक बनना। जैसे बच्चे होते हैं आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप जो कहें वो तुरंत मानते हैं, समझते हैं माँ बाप तो होशियार हैं, लंबी जिंदगी इन्होंने देखी है, हम तो थोड़ी दुनिया देखी है, तो माँ बाप की बात मान लेना, वो हुआ बालकपन। कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है, है? इसका जवाब दिया कि नहीं बाबा ने? है? परिवार के अंदर सहन करना है, परिवार के भातियों के सामने सहन करना है, और जो परिवार के भांति नहीं है वो अगर अपोजिशन करते हैं तो क्या करना है? सामना करना है। परिवार की नाक नीचे नहीं होने देना है। कब धीरज करना है, सबर करना है, और कब तुरंत करना है। बाबा बोलते हैं धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ड्रामा में जो बातें बाबा ने क्लियर कर दी हैं कि आखिर इन तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, तो विजय की बातों में हमें धीरज धरना है या टूट जाना है? धीरज धरना है, ज्ञान से टूट के नहीं बैठ जाना है। और तुरंत क्या करना है? जो श्रीमत मिली उसे तुरंत फॉलो करना है। श्रीमत को सड़ा गला के खाना मना देर करना, जितना देर करते जावेंगे बासी होती जावेगी। वो श्रीमत उतना फायदा नहीं करेगी।
तुलसी श्रीमत का उल्लंघन करने से उसका नुकसान कितना और किस रूप में होता है। कोई भी श्रीमत हो का उल्लंघन करेंगे, जितना उल्लंघन करेंगे उतना नुकसान होता जाएगा। कोई ने पूछा है, पक्का आत्मिक स्थिति धारण करने के लिए घर गृहस्थ में रह करके भी अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे हमारा पुरुषार्थ होना है वो बता दीजिए। माने सदैव आत्मिक स्थिति रहे उसके लिए क्या करें बता दिया। बार बार अभ्यास करो, वो तो संस्कृत की गीता में भी वही बात बताई है। अभ्यास है न तो कौन थे वैराग्य ग्रह्य थे। दुनिया न जीती देखो, ये सदैव बुद्धि में धारण बना रहे। इन आंखों से हम जो कुछ देखते हैं वो सब सब विनाश होने वाला है, कोई काम नहीं आवेगा। अंत में सिर्फ अपना आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ ही काम आवेगा। अभी भी जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना बाप की याद में ज्यादा रह सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप अगर जल्दी भस्म करने हैं तो कौन सा फाउंडेशन पक्का करना है? आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का करना है। कोई ने पूछा है, बौद्धि धर्म की आत्माएं संगम पर ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण ब्रॉड ड्रामा में इस्लामी उनके बीवी बाल बच्चों को उठा कर ले जाते हैं और वो देखते रह जाते हैं। ये डरपोक पने के संस्कार उनमें कैसे आ गए? जो ब्रॉड ड्रामा में होता है फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में ही उसका फाउंडेशन पड़ता है। संगम युग में जो अलबेले रहेंगे वो अलबेलेपन के संस्कार वहां भी अलबेलापन बना देंगे। उल्टा हो जाता है ब्रॉड ड्रामा में। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है ना, फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना क्यों कर दिया है, इतना छोटा क्यों कर दिया है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसे समझाइए। शूटिंग कहाँ होती है? शास्त्रों में जो लिख दिया है कि सतयुग त्रेता की आयु बहुत लंबी और द्वापर कलयुग की आयु थोड़ी, तो ऐसा होता है क्या? ये चारों युगों की आयु बराबर होती है? बराबर बराबर होती है।
लेकिन शूटिंग पीरियड में फर्क पड़ जाता है। जैसे मकान बनाते हैं तो पहली मंजिल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है या आखिरी मंजिल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? तो पहली मंजिल है सतयुग, शूटिंग पीरियड में भी सतयुग का फाउंडेशन डालने में 40 साल लग जाते हैं, उसमें भी खास 16 साल तो जनसंख्या वृद्धि के नुधे हुए हैं। जब से ब्राह्मण परिवार की जनसंख्या की वृद्धि होती है, सतयुग आदि से ही वृद्धि शुरू होती है और सतयुग अंत तक 2 करोड़ ब्राह्मण हो जाते हैं। सन 36 में सतयुग आदि नहीं कहेंगे, वो तो शूटिंग में भी शूटिंग का पीरियड था, वो 10 साल का टाइम था। सन 36 से 40-47 तक पूरा हुआ। उसके बाद यज्ञ कराची से उठ करके माउंट आबू आ गया। माउंट आबू में भी जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई ब्राह्मणों की, और ही घट गए। जो 300-400 कराची से भाग करके आए थे, जब ढोडा रोटी खिलाया गया तो बहुतों को अनिश्चय पैदा हो गया कि बाबा के पास अब कुछ भी नहीं रहा, अब हमारी जिंदगी यहां चलने वाली नहीं है, इसलिए भागो यहां से। सबने अपना अपना रास्ता पकड़ा, सिर्फ 75 बचे। ये होता रहा, सन 60 तक हुआ, भागते रहे, संख्या कम होती रही। फिर जब ये चित्र निकले हैं, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, तो इन चित्रों के बनने से थोड़ी थोड़ी सर्विस की शुरुआत हुई। मम्मा जब शरीर छोड़ने पर आई तब तक ये 4 चित्र तैयार हो चुके थे। सीढ़ी भी तैयार हो गई, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी तैयार हुआ। इन 4 चित्रों पर पक्का कोर्स दिया जाने लगा। ढेर के ढेर ब्राह्मण, बेसिक ब्राह्मण निकले ज्ञान में। तो कहेंगे जनसंख्या वृद्धि हुई सन 60 से लेकर के सन कब तक है, 76 तक। इन 16 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि होती रही। जैसे सतयुग के पहले जन्म से लेकर के और सतयुग के 8वें जन्म तक जनसंख्या वृद्धि होकर 2 करोड़ हो गए। तो ज्ञानत पत्रिका में भी लिखा हुआ है, सन 73 की ज्ञानत पत्रिका में, कि अभी तक 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला है। फिर 73 से बड़े बड़े मेले लगना शुरू हो गए। पहला बड़ा मेला शुरू हुआ है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। फिर दिल्ली को सबने फॉलो किया तो सभी बड़े बड़े शहरों में मेले के प्रोग्राम्स होने लगे और एक एक मेले में लाखों की तादाद में लोग आने लगे।
संदेश लेकर के जाने लगे, तो अगले 3 सालों में 73 से लेकर के 76 तक 3-4 सालों में 1 करोड़ आत्माओं को संदेश लेना कोई बड़ी बात है क्या? तो 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिल गया। ये लंबा टाइम लगता है पहली मंजिल तैयार होने में, इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, त्रेता की आयु दुगुनी और सतयुग की आयु 4 गुनी, ऐसे दिखा दिया। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार। नवरात्रि के दिन फूल से और बतकम्मा बोल के बना के पानी में डुबाते हैं, ऐसा नौ दिन पानी में डुबाते हैं। क्या डुबाते हैं? फूल से बतकम्मा बना के, फूल से बतकम्मा, ऐसा फूल से बतकम्मा क्या होता है? नवरात्रि के दिन ऐसा 9 दिन डुबाते हैं, उसका मतलब क्या है? ये बतकम्मा क्या होता है? जीवित रहे। कन्या का नाम है बतकम्मा। हाँ, तो 9 कन्याएं हैं, 9 कन्याओं में 1 कन्या ही जीवित रहती है और बाकी सब कन्याएं पटरानियां बन जाती हैं। पुरुषार्थ करते करते पट में जाकर के गिरती है, पानी में डुबो देते, तो उनको डुबो देते हैं। बाप कहते हैं पहले घर को जीतो, अगर जिंदगी भर घर को जीतने में लग गए तो बाप को कब जीतेंगे? जीतने की बात नहीं है, सुधार करने की बात है। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। ऐसे नहीं बाहर वालों को दान देते रहे, अपने बाल बच्चे भूखे मरते रहे, नहीं। पहले दान किसको देना है? अपने बाल बच्चों को दान देना है, अच्छे से खिलाना पिलाना है, फिर जो बाकी बचे वो ईश्वरीय सेवा में लगाना है। ऐसे नहीं कि देवियों की पूजा में सारा अर्पण कर दिया, अपने बाल बच्चे भूखे मरते रहे, उसको दान नहीं कहेंगे। खैरात सदैव अपने घर से शुरू करनी चाहिए। बेहद में भी ये बात लागू होती है और हद में भी लागू होती है। जब तक बेसिक नॉलेज में है तो हद में लागू होती है और जब एडवांस में है तो बेहद का परिवार हमारा ब्राह्मण का परिवार है, उस ब्राह्मणों के परिवार में भी हमारे घर के कौन हैं? हमारे घर के हैं वो जो राज परिवार में आने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप किसको पढ़ाई पढ़ाने आए हैं? हैं? जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं, राज परिवार में आते हैं, उनको पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। वो ही बाप के असल बच्चे हैं जो राजा बच्चे बनते हैं। तो परखना है कि हमारे परिवार के कौन कौन हैं। जो जितना सहयोगी है जरूर उतने बड़े योगी हैं, जो योगी हैं वो ही बाप के बच्चे हैं। जो बाप की भुजाएं बनते हैं, बाप के द्वारा राजधानी स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं, वो स्पेशल 1000 भुजाएं अभी देखने में आ रही होंगी।
उनको पहले दान देना है। इन हजार में 108 भी समाये हुए हैं। उन हजार भुजाओं को जो विशेष सहयोग देते हैं वो हैं 16108, वो भी अभी देखने में आ रहे हैं। कौन कितने सहयोगी हैं ईश्वरीय सेवा में, जितने जितने सेवाधारी हैं उतने उतने बाप के परिवार के हैं। सेवाधारी बनते बनते अगर ठोकर मार के चले जाते हैं तो पांचवी मार से नीचे गिर गए और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, बाप का नाम बदनाम करने वाले हैं। बाप अर्थात ज्ञान सूर्य के कुल के नहीं हैं, कोई और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। सच्ची गीता पढ़ी है, बुरे लोग रहते हैं ना, सच्ची गीता पॉइंट नहीं सुना सकते हैं। सच्ची गीता पॉइंट नहीं सुना सकते हैं ना, क्यों जो बुरे लोग क्यों नहीं सुना सकते? और कांगड़ी माता जो यहाँ अभी बैठी थी स्टूल के ऊपर, वो बूढ़ी थी कि नहीं बूढ़ी थी? उसे पॉइंट कैसे याद रह जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं कि सब बूढ़े एक जैसे होते हैं। क्या उनका क्या होगा? अरे बाबा ने कहा जो याद में रहेंगे अंत में उनके अंदर ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं तो भी कोई अंतर नहीं, अंत में बोलने लग पड़ेंगे। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरम, ये कहाँ का गायन है? जो गूंगा है वो बोलने लग पड़ता है, जो लंगड़ा है वो पहाड़ को क्रॉस कर जाता है। गायन कहाँ का है? यहाँ संगम युग के ये सारे गायन हैं। और आठ पॉइंट से तीन चार फाइव लिखते नहीं वो है बाबा, 8 पॉइंट 8 पॉइंट उन्होंने लिखा है। एक व्यापिका है जो 8 प्रश्न है ना, उसके 3 भाई ने लिखा है, तीन भाइयों ने मिलकर लिखा है। ऑल ओवर इंडिया क्या? ऑल एडवांस कुमार फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ये 3 भाई लिखे, सब मिलाके लिखे। तो ये आपको दे रहे हैं, मतलब हमें क्या है? पढ़ी क्या बता रहे? और बाबा ब्रह्मा बाबा क्लास होने के बाद गोली बांटते थे, उसमें फायदा क्या है? वो बेसिक नॉलेज है और ये एडवांस नॉलेज है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ी चीज में खुश हो जाते हैं या पूरा वर्षा लेकर के खुश होते हैं, है? काहे में खुश होते हैं? तो टोली खाने में ही खुश हो जाते हैं। तो अम्मा छोटे छोटे बच्चों को टोली खिला के खुश कर देती है और बाप तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़ी चीज देते हैं। यहाँ भी बेहद का बाप है और माता हद की है, वो ज्ञान को भी हद में समझती है, ज्ञान के पॉइंट्स को हद में पकड़ती है, बेहद में नहीं पकड़ती है। और दीदी
के जवाब भी मीटिंगों को दे नहीं पाती। नंबर वार है ना, कोर्स देने वाले भी नंबर वार हैं या एक जैसे हैं? अगर 8 पॉइंट भी हैं, कोई पूछता है आपने ये 8 पॉइंट जो लिखे हैं ये हमें समझाइए, तो उनको बताना चाहिए कि इन 8 पॉइंट्स का जवाब लेने के लिए आपको 7 दिन का कोर्स लेना पड़ेगा। नंबर वार आपकी बुद्धि में बैठेगा, सबको एक जैसा बुद्धि में नहीं बैठेगा, लेकिन आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट्स 8 सही हैं और इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। और खाली कपड़ा दुख देता है और ठंडी के दिनों में गर्मी के दिनों में सुख देता है। खादी कपड़ा बारिश के दिनों में दुख देता है, ठंडी के दिनों में और गर्मी के दिनों में सुख देता है। हाँ, खादी के कपड़ा क्या बरसात में भारी हो जाता है, चिपकता है, क्या देवान बढ़ाता है, और गर्मी में ठंडक देता है, बरसात में तकलीफ देता है और गर्मी में ठंडक देता है, सर्दी में गर्म रहता है। तो सर्दी का मौसम है सतयुग त्रेता, राम सीता वाली आत्माएं सबको गर्मी देती हैं। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ा आराम देता है या दुख देता है? आराम देता है। और द्वापर कलयुग में भी राम सीता वाली आत्माएं, वो गर्मी का मौसम है, सबके दिमाग गर्म रहते हैं, तो राम सीता वाली आत्माएं सबको ठंडक देती हैं, बाकी दुखदाई कहाँ हो जाती है? है? यहाँ संगम युग में दुखदाई हो जाती है। सीता है जगदम्बा, राम है जगत पिता, सबके अंदर उनका पाठ संशय पैदा करता है या निश्चय पैदा कर देता है? है? सबके अंदर संशय पैदा होता रहता है। सदा काल का निश्चय बुद्धि कोई भी नहीं बन पाता है। कोई को कम संशय पैदा होता है, कोई को ज्यादा संशय पैदा होता है। संशय पैदा होता है तो देह अभिमान बढ़ जाता है, जैसे कि भारी पड़ जाते हैं। हल्कापन नहीं आने पाता, पुरुषार्थ में हल्कापन नहीं आता है। उनका पार्ट ही ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे समझ न सको। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, नहीं समझ में आता है तो बाबा भी भू मुरली में बोलते हैं, कि मम्मा भले चली, वो बाबा भले चला जाएगा लेकिन मम्मा अंत तक रहेगी। तो बच्चों की बुद्धि किस में लिपट जाती है? है? मम्मा में लिपट जाती है। मम्मा अंत तक देवी का पार्ट बजाएगी या देवता का पाठ बजाएगी? है? देवी का पाठ बजाएगी।
जब अंत समय आएगा तो देवियों की डूबी जा होगी या रह जाएगी? है डूबी जा कब होती है? है अंत कब होता है? जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो अंत हो जाता है। देवियों की और गणपति महाराज की डूबी जा हो जाती है और बाबा की प्रत्यक्षता हो जाती है। जैसे सन 76 में क्या हुआ, बाप प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? बाप प्रत्यक्ष हुआ तो रिजल्ट क्या आया? जिन देवियों की बहुत पूजा करते थे लोग, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते थे, देवियों के लिए महलमाड़ियां अटारियां खड़ी कर देते थे, फिर उनका क्या हाल किया एडवांस ज्ञान लेने के बाद? जिनकी बुद्धि में बाप का परिचय मिल गया, उन्होंने उन देवियों का क्या हाल किया? डुबो दिया या पूजा करते रहे? डुबो दिया। नहीं डूबती है तो बुद्ध रूपी पांव से डुबा देते हैं, उनके सामने जाकर के बुद्धि का वैभव दिखाते हैं, देखो ये ज्ञान ऐसा है वैसा है वैसा है, बेचारी नीचे जवाब नहीं आता उनको।